So let's go from Interlaken to Leuterbrunnen. Yo! आपने देखा ही था कल हम लोगों ने इंटरलाकेन घूमा था और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं लाउटरब्रुनेन। हम लोग ने तो कार से ड्राइव किया था और इंटरलाकेन से लाउटरब्रुनेन कुछ 10 किलोमीटर है, लेकिन आप ट्रेन या बस ले सकते हो। इंटरलाकेन में 2 स्टेशन है, वेस्ट एंड ओस्ट, और आप वहाँ से इंटरलाकेन ओस्ट से लाउटरब्रुनेन की ट्रेन ले सकते हो। बी केयरफुल, जो ट्रेन है वो 2 पार्ट्स में होती है। जो फर्स्ट हाफ है वो लाउटरब्रुनेन जाता है एंड सेकेंड पार्ट जो है वो ग्रिंडलवाल्ड जाता है। तो अब टाइम है दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ जाने का, और जो बहुत पास में है जहाँ हम जाएंगे और जल्दी आएंगे। तो अब हम बालमर्स हॉस्टल की पार्किंग से निकल कर जा रहे हैं लाउटरब्रुनेन की तरफ। कम विद अस। इस पार्ट में हम लोग और भी कुछ जगह घूमने वाले हैं, जैसे म्यूरेन, ग्रिंडलवाल्ड, और हम लोग केबल कार लेने वाले हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो अगर आपके पास कार नहीं है तो अगेन आप इंटरलाकेन से लाउटरब्रुनेन बाय ट्रेन आ सकते हो, फिर लाउटरब्रुनेन से स्टेशलबर्ग के लिए कोई भी बस ले सकते हो या वॉक भी कर सकते हो, और वहाँ से केबल कार जैसे हम लोग लेने वाले हैं टू योर फर्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज गिम्बलवाल्ड। आपको और ऊपर जाना है तो आप बर्ग और सिल्ट्रॉन भी जा सकते हो, जहाँ से व्यूज और भी अच्छे हैं, पर हम लोग म्यूरेन तक ही गए थे। और अब हम लोगों की आगे की जर्नी देखो और ये ऊपर से व्यूज देखो। सो हम लोग पहुंच भी गए, लाइक 10 मिनट में ही पहुंच गए। लाउटरब्रुनेन 10 किलोमीटर था फ्रॉम इंटरलाकेन टू हियर। अब हम लोग यहाँ पर पार्क हाउस में गाड़ी पार्क कर रहे हैं और फिर निकलते हैं नेक्स्ट जर्नी। पार्किंग चार्ज स्टार्ट्स फ्रॉम 3 Swiss franc। दीपक पीछे देखो, पीछे लाउटरब्रुनेन जो है उसमें बहुत सारे वॉटरफॉल्स हैं, फाउंटेन्स हैं, और उसकी वजह से ये बहुत फेमस है। ये एक स्विस छोटी सी विलेज है, पर आप देख ही रहे हो सराउंडेड बाय सो मेनी वॉटरफॉल्स एंड फाउंटेन्स। वॉकिंग इन दिस स्ट्रीट इज अनदर फन, एक्चुअली इट्स सो मच फन। And see this landscape with train, pahar and ghar. This is so amazing, so beautiful. So guys, one word mein ye jagah wow wow wow, like a heaven on earth. Aur bahut tez hawa chal rahi hai, barish hone wali hai, to bhago. और ये है यहाँ का क्यूट सा चर्च, और हम लोगों ने बहुत सारे फोटो खींच लिए। एंड बिकॉज लाउटरब्रुनेन में बहुत सारे वॉटरफॉल्स हैं अराउंड 72, तो आपको जो पानी वाला साउंड है वो जब आप वॉक करोगे तो पूरे टाइम सुनाई देगा। घूमने के बाद हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर निकले, वो थी स्टेशलबर्ग। सो गाइस, 4 किलोमीटर ही था स्टेशलबर्ग। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मुरेन। मुरेन जाने के लिए रोड नहीं है,
केबल कार से जाना पड़ेगा। केबल कार से जाएंगे, हमें ये सबसे अच्छा ऑप्शन लगा मुरैन जाने का, और मुरैन जाना था हमें। मुरैन एक स्विस विलेज है, बहुत ही सुंदर, तो चलो अब हम लोगों के साथ वहाँ मिलेगा। तो हम गिम्बलवाल जाएंगे और मुरैन जाएंगे। फिर हमने अपनी कार जो है वो स्टेशलबर्ग में पार्क करी, और हम लोगों ने केबल कार का टिकट लिया टू मुरैन, जो कि था अराउंड 22 Swiss franc 1800 इंडियन रुपीज फॉर वन पर्सन। उसमें से हम कुछ अमेजिंग प्लेस जो है वो घूम सकते थे और वापस आ सकते थे, जो मैं आपको बताऊंगी। पर अगर आपको शिलचांग तक जाना है तो उसका प्राइस है कुछ 108 Swiss franc 8800 कुछ रुपीज। और आपके पास अगर स्विस पास है तो वो केबल कार 50% डिस्काउंट हो जाता है। ट्रेन बोट सब कुछ फ्री होती है, पर बिकॉज स्विस पास जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसके बारे में मैं कभी आपको और बताऊंगी। तो दीज प्लेसेस जहाँ हम अभी जाने वाले हैं, ये सबसे अमेजिंग स्पोर्ट्स टूरिस्ट प्लेस है फॉर सारे टूरिस्ट के लिए, चाहे वो विंटर हो या समर हो, ये इस जगह बहुत बिजी होती है। थिंक अबाउट विंटर्स में ये पूरा का पूरा स्नो हो जाता होगा। अभी हम है कुछ 1367 मीटर अप, और ये जो पहाड़ है ये और पास दिख रहा है अभी, और यहाँ पर ग्रिम्बल वर्ल्ड का सारा चीज़ दिखी हुई है कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, तो वो जो भी अच्छी डेस्टिनेशन जो आपके लिए हो सकती है, लाइक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। तो ग्रिम्बल वर्ल्ड एक छोटी सी जगह है जो जनरली जब स्नो होती है तो ऐसा दिखता है। किमलवाल जो है वो एक छोटी सी विलेज है, ट्रैफिक फ्री है फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि यहाँ कार आ ही नहीं सकती, यहाँ केबल कार के थ्रू ही आना पड़ता है। और ये लोकेटेड है अराउंड 1363 मीटर पर, अराउंड 4472 फीट पर। एंड इंफॉर्मेशन में जैसे ही आप बाहर निकलोगे केबल कार से, आपको सामने ही दिख जाएगा कि आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हो, कौन कौन सी जगह ट्रैक करने जा सकते हो, और कौन कौन से व्यूज देख सकते हो। लोग चूज कर सकते हो ट्रैकिंग करना है यहाँ पर, जो मोस्टली टूरिस्ट जो है वो चूज करते हैं। can also enjoy some of the beer garden जो यहाँ पर इस particular place पे है। बहुत सारे restaurants तो नहीं है, पर एक दो तो आपको मिल जाएंगे, और supermarket भी आपको इस particular जगह पर नहीं मिलेंगे, तो अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए लेके आना है तो अपने बैग में ज़रूर रख के लाइए। ये गाय के तबेले हैं जो कि बहुत फेमस है यहाँ, क्योंकि यहाँ फ्रेश चीज़, फ्रेश मिल्क, फ्रेश सारी चीज़ें होती हैं। चलो आपने ये वाली 60 साल से गायों के गले में डालते थे हैं। हाँ। ये देखो ये है तबेला।
क्या कर रही हो सुरभि? बहुत टेस्टी पानी है यार, ये बहुत ठंडा माउंटेन का सीधा पानी आ रहा है। देख रहे इसको तो स्वाद आ गया, छोड़ी नहीं थी। सही में बहुत टेस्टी है। देखो ये एक है जहाँ पर सेल्फ सर्विस है, फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज में सारी चीज़ें हैं, फ्रेश एग्स, फ्रेश मिल्क, फ्रेश सारी चीज़ें। आप अपने हिसाब से ले लो और उसमें पैसे डाल दो। इज़न्ट इट अमेजिंग, मतलब ये देखो। एंड जो ये गिम्बल फॉल्स है, इसका मेन सोर्स ऑफ लिविंग है टूरिज्म ऑफ कोर्स एंड फार्मिंग। और आपको मैंने दिखाया है कैसे यहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट बने हुए हैं जहाँ पर आप खुद जा सकते हो, जितना भी उन्हें पे करना है वो पे करके और फ्रेश सारी चीज़ें ला सकते हो। यहाँ पर हमने बहुत सारे तबेले टाइप के भी देखे और इट फील सो अमेजिंग। वाव वाव वाव। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो गाइस हम मुरैन आ गए और जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते जा रहे हैं ठंड होती जा रही है। अभी पर यहाँ तो बहुत प्लीजेंट है, बहुत प्लीजेंट मौसम हो रहा है। अब हम लोग यहाँ बैठ के कॉफ़ी पियेंगे और थोड़ा सा कुछ खाएंगे क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ एक पिज़्ज़ा खाया है। मतलब यहाँ पटाखे भी फोड़ रहे हैं लोग। इतने खुश हो चिल पे नंबर टू थ्रिल है। चिल है, सही है। देखो इसमें यहाँ पर लिखा है नंबर थ्री इज चिल, नंबर टू इज थ्रिल थ्रिल और नंबर वन इज व्यू व्यू। तो चिल एक्चुअली चिल लग रहा है यार। यहाँ पर बहुत चिल है और थोड़ा सा कमर्शियल है। मुरैन एक ट्रेडिशनल वाल्सर माउंटेन विलेज है जो कि एलिवेशन ऑफ 1638 मीटर पे है, अराउंड 5374 फीट। और अगेन इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकती है, पर यहाँ पर सुपरमार्केट है। दीपक इधर आओ, टाइटेनिक जैसा करेंगे। And this village features a view of three towering mountains, Eger, Mons and Jungfrau, जो कि top of Europe है। अगेन अगर आपको एक कंफर्टेबल लिविंग रहना है कुछ दिनों के लिए तो आप लोग यहाँ पर रह सकते हो। और यहाँ पर बिकॉज सुपरमार्केट्स भी हैं तो एयरबीएनबी टाइप के घर पे रह सकते हो, जो हम लोगों ने प्लान किया है जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। बिकॉज ये विलेज बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर है और हम लोगों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि कमर्शियल प्लस बहुत क्यूट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोगों के लिए बेस्ट है। और जब हमारे पेरेंट्स आएंगे तो भी हम लोग इसी लोकेशन पे रुकने वाले हैं। तो हमने मुरैन में भी ये ग्रॉसरी स्टोर ढूंढ लिया, खाने का आइटम लिया, कॉफी लिए, बैठ के बाहर एंजॉय करेंगे। बारिश हो रही थी सडनली, सामने से हमने सामान लिया, कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो हमने नीचे बैठ गए, जमीन पे बैठे हुए और हमने देखा फिर रोड सामने सामान लिया और हमें देखा देखिए देखो कितने सारे लोग और बैठ गए। तो आप लोग बजट में ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज फूड यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, सुपरमार्केट से सामान खरीद सकते हो, क्रोसेंट जो है वो खा सकते हो, यहाँ की बटर ब्रेड जो बहुत टेस्टी होती है, और अगर आपको सैलेड में कुछ खाना है तो कचोफिल सैलेड खा सकते हो जो कि हमारे टेस्ट का होता है। अदर देन दैट यहाँ के जो भी केक्स पुडिंग्स वगैरह होते हैं वो भी बहुत टेस्टी होते हैं, एंड फ्रूट्स तो सारे सुपरमार्केट में मिल ही जाता है। तो ये हमारी टिप्स हुई आप लोगों के लिए फॉर फूड to save lots of money. तो हम फिर से अभी आ गए हैं नीचे, नीचे मतलब ग्राउंड पे नीचे। अभी बहुत ऊपर थे, वहां थे वहां थे। वाह वाह, देखो सुरभि के डायरेक्शन गड़बड़ है।
ये जहाँ से गिर रहा है ना उसके ऊपर एक अलग दुनिया है, हम वहाँ पर थे और वहाँ से हमने ये सारे नज़ारे देखे हैं। तो यहाँ से ऊँचे दिख रहा है और वहाँ से बिल्कुल क्लोज थे। तो पीछे नदी बह रही है, बहुत अच्छी साउंड है, सूथिंग साउंड है। सो गाइज, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इस सीरीज के देसीज इन स्विट्जरलैंड में, फिर और सारी मस्ती हम लोगों की जो मस्ती है उसके साथ, प्लस स्विट्जरलैंड के बारे में बताने के लिए सबसे अमेजिंग ट्रिप, सबसे अमेजिंग सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए। और अगर आप ये पर्टिकुलर सीरीज फॉलो करो तो देसीज इन स्विट्जरलैंड जरूर हमें टैग करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, ये वीडियो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना जितने ज्यादा से ज्यादा कर सको, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। और हम लोग अब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय गाइस, लव यू।